25 तारीख को देखे नहीं चाहिए। ये ऑल इंडिया का कितना का संख्या में पहुंचे तो 1,00,000 लोगों का तो मोर्चा हमने घोषित किया हुआ है, ये तो मिनिमम आंकड़ा है, ज्यादा होगा। झारखंड से क्या हमने सर जगह से बंगाल से भी आए, त्रिपुरा से भी आए, बंगाल से आ गए त्रिपुरा वहीं से भी आए। सर ईवीएम को लेकर बराबर सवाल किए जाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, ढाक का तीन पात रह जाता है, चुनाव हो जाता है। ये एक अलग बात है मगर चुपचाप हो नहीं रहा ना, विरोध हो रहा है। और बहुत मौलिक बात यह है कि संविधान ने चुनाव आयोग को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए अधिकार दिए। तो जब भारत की प्रजा और वोटर सवाल उठा रहे हैं तो सेटिस्फेक्टरी आंसर देने की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। हमने लिखित रूप से कई सवाल उठाए हैं जिसका कोई जवाब चुनाव आयोग दे नहीं रहा है। तो जब कोई बात जवाबदेही पूरी नहीं होती है संविधान के अनुसार तो मामला जनता के कोर्ट में जाएगा ना, मामला जनता के कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने मामला उठाया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं। जो संविधान के दायरे में रहकर एक रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट जाने का है, एक रास्ता जनता के कोर्ट में जाने का है, ये दोनों रास्ते संवैधानिक तरीके से। तो हम दोनों तरफ लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि ईवीएम मशीन के द्वारा जो संविधान ने गारंटी दी है ये कोई साधारण अधिकार नहीं है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो है ये मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो इसलिए ये अगर मान लो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, जनता जिसको चुनना चाहती है उसको चुनकर नहीं दिया जाता है और जिसको चुनना नहीं चाहती है उसी की सरकार आती है, तो भी तो जनता का अधिकार तो लगभग समाप्त हो गया। फिर तो जनता के पास जो आखिरी हथियार है, आखिरी हथियार क्या है, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव करने का अधिकार जनता के पास है। अगर यही अधिकार खत्म कर दिया तो लोकतंत्र रहेगा कहां, ये ना मौलिक बात। चुनाव आयोग तो बोलते हैं कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी चुनाव कराते हैं, ईवीएम सही काम करता है। देखो चुनाव आयोग का बयान है एक चीज है कि चुनाव आयोग एक बयान दे रहा है। अगर कोई मान लो कोई मंत्री या प्रधानमंत्री अगर कोई फैसला करता है और उसके बारे में पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर अगर पत्रकार कोई सवाल उठाते हैं तो जवाबदेही बनती कि नहीं बनती, इसका जवाब दिया जाए। अगर जवाब नहीं दिया जाता तो सवाल तो उठते रहेंगे ना, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है ना, चुनाव आयोग बयान दे रहा है। नहीं हम तो फ्री फेयर कर रहे हैं, अरे तो बयान है तो स्टेटमेंट है, उसके संबंध में जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके जवाब नहीं दे रहे ना, ये तो हमने सवाल उठाए हुए बहुत सारी बातें उठाई हुई। चुनाव आयोग खुद कहता है कि ये डाटा साल भर रखा जाएगा, इमीडिएट डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? क्योंकि वो डाटा एविडेंस है इस चीज का, वो जो घोटाला हुआ उस घोटाले का। क्या चाहते हैं सर, ईवीएम बंद करके बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने में? सर बैलेट पेपर बंद करवाने के लिए जो तरीका जो कारण बताया गया था कि भाई ये गुंडागर्दी होती है, ये होती थी मगर रिकॉर्ड अवेलेबल है ये 1% से ज्यादा नहीं होता था। तो अडवाणी जी ने बयान दिया कि इससे ये तो सट्टल में हो रहा है, ये अडवाणी जी का बयान था। अडवाणी जी का पॉलिटिकल करियर जो चौपट हो गया वो चौपट होने का एक बहुत बड़ा कारण ये बयान है। तो अडवाणी कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी था, आरएसएस का और कांग्रेस का ईवीएम मशीन के मुद्दे पर समझौता हो गया, उसके तहत अडवाणी का पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया और नरेंद्र मोदी को लाया गया। तो ईवीएम से चुनाव होगा तो कैसे उसको देखेंगे, मैंने चुनाव आयोग पर आप लोग क्या मैंने कुछ प्रतिक्रिया देंगे? देखो 31 तारीख को तो लाखों लोगों का मोर्चा हम लेकर जा रहे हैं और मोदी जी ने 144 लगा दिया दिल्ली में। हम कहते हैं कि चुनाव आयोग ऑटोनॉमस बॉडी है,
ये भारत सरकार का डिपार्टमेंट नहीं है, तो हमारे रैली को रोकने के लिए 144 आपने लगा दिया, आप चुनाव आयोग का प्रोटेक्शन करने के लिए मैदान में क्यों उतरे? चुनाव आयोग को देखने दो ना, चुनाव आयोग ऑटोनॉमस बॉडी है, चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, उसके लिए मोदी प्रोटेक्शन करने के लिए मैदान में क्यों उतरे? मोदी का कोई डिपार्टमेंट है क्या चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मोदी का डिपार्टमेंट नहीं है, इसे तमाम डिपार्टमेंट है, उस तरह से चुनाव आयोग कोई मोदी का डिपार्टमेंट थोड़ी है। फिर उसके प्रोटेक्शन में क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? उसका कारण यह है कि वो चुनाव आयोग उनको हेल्प कर रहा है ना, चुनाव आयोग उसको हेल्प कर रहा है, और हमने वही पॉइंट उठाया हुआ है। मोदी के चुनाव जीतने के चांसेस नहीं है, आपको बहुत मौलिक बात बताता हूं जो सारे देश का मीडिया बता नहीं रहा। वो क्या है? क्या आपको पता है 2019 में मोदी की बहुत पॉपुलर 37.7%। इसका दूसरा अर्थ क्या है? 62.3% अपोजिशन में है। फिर आप सवाल कर सकते हो, अरे फिर मोदी कैसे चुनकर आ गया? ये तो एक सवाल है। अगर 37.7% ही वोट मोदी के पास है और अपोजिशन पार्टी के पास 62.3% है, तो पहला कारण आपको बताता हूं कि अपोजिशन पार्टी के लोग डिवाइडेड है। 19 में, 2024 में यूनाइटेड है। जो इंडिया गठबंधन बना वो डिवाइडेड था, वो था ही नहीं। इंडिया गठबंधन तो अभी बना ना, वो इंडिया गठबंधन डिवाइडेड था, डिवाइडेड चुनाव हुआ, तो वोट ऑफ परसेंटेज डिवाइड हुआ, डिवाइड होने की वजह से मोदी 37.7% वोटों से चुनाव जीता। अब के बार सारा का सारा यूनाइटेड हो गया, तो सारा का सारा यूनाइटेड होने के बावजूद भी, यूनाइटेड होने की वजह से नरेंद्र मोदी ने ये अयोध्या में राम मंदिर अभी बना ही नहीं, अधूरा है। चारों शंकराचार्य बोले कि अशुभ लक्षण है, अधूरा मंदिर आधा बनने के बन रहा है, आधा ही पूरा नहीं हुआ, और अब उद्घाटन कर रहे। अरे आधे का थोड़ी ना उद्घाटन होता है, एक भी शंकराचार्य आज नहीं है। शंकराचार्य तो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा ना उस्ताद धर्माचार्य है, उसके ऊपर कोई उस्ताद धर्माचार्य है कोई नहीं है, वो एक भी हाजिर नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आज के दिन को काला दिवस पूरे देश में घोषित किया है और आपने उसका समर्थन किया है, ये उसका कारण ये है कि जो जिसे ये कहा जा रहा है कि वो भूमि अयोध्या कि राम जन्मभूमि है, मैं मोदी को, आरएसएस को और भाजपा को चुनौती देकर कहता हूं कि आप हमें बताओ कि अयोध्या शब्द उस भूखंड का नाम था, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखा सकते हैं? मगर उस भूखंड का नाम बुद्ध भूमि है, उसका रिकॉर्ड है, बुद्ध ने वहां 16 साल निवास किया, 3000 भिक्षुओं का ट्रेनिंग सेंटर वो था, 3000 भिक्षुओं का। ब्राह्मणों ने मुसलमानों को निमंत्रण दिया, आओ इसको डिस्ट्रॉय करो, हम आपको साथ देते हैं। तो मुसलमानों को ब्राह्मणों ने मदद की और ब्राह्मणों की मदद से मुसलमानों ने डिस्ट्रॉय किया, मस्जिद बनाई। अभी सुनिए, अधूरी बात है, यही तो हमारे लोगों की जानकारी है नहीं, कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां पर वो मस्जिद बनाए, ब्राह्मणों को मालूम था पहले से वो भूमि राम जन्मभूमि नहीं, वो साकेत है रिकॉर्ड में। उस भूखंड का नाम ब्राह्मण भी कहते हैं, ब्राह्मणों के लिटरेचर में, पुराणों में, उस भूमि का नाम साकेत है, अयोध्या नहीं। अयोध्या, अयोध्या शब्द कहाँ है? भारत के इतिहास में पहली बार अयोध्या शब्द आया कहाँ? रामायण में।
रामायण में अयोध्या शब्द है। जमीन पर कई प्रचार में भंडारकर ब्राह्मणों का महापंडित हुआ है महाराष्ट्र में। वो क्या कहता है, 14वीं शताब्दी तक राम नाम का कोई भी कल्ट ही वजूद में नहीं था। तो ब्राह्मण है भाई, हम तो है नहीं, तो ब्राह्मण है भंडारकर, वो महापंडित माना जाता है। वो कहता है 14वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी तक वहां का रिकॉर्ड ऐसा कहता है राम मंदिर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। है ब्राह्मणों के पास तो, जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान कहते रहते पंडित लोग, है ब्राह्मण लोग, है हमारे सवालों का कोई जवाब है पंडित लोगों के पास में? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करते रहते, अरे तो यहाँ तो हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं है, ये तो मामले अलग है। बौद्धों का कहना है कि कुबेर टीला और सुमेर टीला वो बौद्ध स्तूप है और वो बौद्धों का है, है? लेकिन न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें बौद्धों को वो पार्टी स्वीकार नहीं किया और आस्था के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और वो पांचों जजों को भी आमंत्रित किया गया है इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की। वो जजों को आमंत्रित नहीं करेंगे तो वो सारे सारे रिटायर्ड हो गए ना, अभी जज थोड़ी है तो और संभवतः सारे ब्राह्मण है, है? अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई खबर आई नहीं है, निमंत्रण की खबर जरूर आई है। 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो आप 31 तारीख तक हम चुनाव आयोग इसमें क्या बदलाव करता है वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही बोलेंगे। बहुत उसके बाद हमारे नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव हम करेंगे कि अगर ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से अगर हमारी बात को मानने के लिए राजी नहीं है। मैं कहता हूं तुम एडवांस टेक्नोलॉजी से कब हो गए भाई, अमेरिका से आगे हो गए, हैं? जापान से, जर्मनी से जिन्होंने मशीन बनाई वो ईवीएम नहीं उपयोग में ला रहे, उनका यकीन नहीं है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है, इस पर उनका यकीन नहीं है। तुम्हारा क्यों है, जहां 70% लोग अशिक्षित लोग है, अर्धशिक्षित लोग है, उनको बताना पड़ता है वोटिंग वो बुलेट बूथ पर, अरे यहां ऐसा बटन है यार, ये इधर ऐसा दबाओ, लोगों को कभी कभी तो वो अंदर वाला आदमी वो बीजेपी वाला दिखा देता है बटन, अरे यहां पर सर आप बोल रहे हैं जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन तमाम विरोधी दलों का, वो क्यों नहीं सवाल उठा रही है? देखो अभी गठबंधन की तरफ से लेटर लिखा गया था, चुनाव आयोग ने समय तक नहीं दिया, मैं तो हैरान करने वाली बात है। अरे हो आपको चर्चा करने के लिए समय मांग रहे, आप कह रहे जैसे अभी आप कह रहे थे ना, नहीं हम तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, चलो अगर ये लोगों को वो समय देते तो यही वो सवाल पूछते कि आप बताइए तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता है करके, एक्सपर्ट लोग जाते हैं उनको बताते हैं। चुनाव आयोग ने कभी उस मशीन को सार्वजनिक रूप से सारे दुनिया वालों के सामने भी कोई भी आ जाओ और इसमें गड़बड़ी होती है करके दिखाओ, तो लोगों ने तो चुनौती दे दी है, हम करके दिखाते हैं। मैंने आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग खुदा है लोग दुनिया में खुदा पर भी सवाल उठा रहे हैं नहीं उठा रहे, ऐसे तमाम करोड़ों लोग हैं जो है नहीं पर चर्चा करते रहते, तो जब वो खुदा पर लोग सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग खुदा ना है, खुदा तो है नहीं,